नमस्कार, देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बहुत खौफजदा है, बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। 10 विधानसभा की सीटें हैं जिन्हें जो दांव पर लगी हुई हैं, और बीजेपी को लग रहा है, खासतौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, खासतौर से उनका नेतृत्व दांव पर है, इसलिए भी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं इन 10 सीटों में। किसी भी सूरत में वो मुंह की नहीं खाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो इन उपचुनाव में भी दोहराया जाए, और उसके दोहराए जाने का मतलब भी आप समझते हैं, साफ है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। योगी आदित्यनाथ को खुद ही नैतिक दायित्व लेते हुए इस्तीफा देना पड़ सकता है, या फिर पार्टी के अंदर से जिस तरह से उन पर दबाव पड़ रहा है, तमाम नेता दबाव डाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पीछे लगे हुए हैं, सहयोगी दल पीछे लगे हुए हैं, इससे उनकी स्थिति बहुत ही विकट हो गई है और उनकी कुर्सी छिन सकती है। तो आप देखिए कि अभी 2 हफ्ते पहले ही योगी आदित्यनाथ ने इन उपचुनावों के लिए एक टीम बनाई थी, 30 सदस्यीय टीम बनाई थी, इसे सुपर 30 का नाम दिया था उन्होंने। और जब ये टीम बनाई थी तो उन्होंने अपने दोनों ही मुख्यमंत्रियों को इस पूरे परामर्श से बाहर रखा था, यानी उनको बाहर रखकर उनकी जानकारी के बिना खुद ही ये टीम बना डाली थी 30 सदस्यों की। 10 विधानसभाओं के लिए 30 सदस्यीय कमेटी, एक एक विधानसभा पर तीन तीन नेता झोंक दिए थे उन्होंने कि किसी भी सूरत में ये हार में तब्दील ना हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक अब वो सब चीज़ें बदल गई हैं? वो जो टीम बनी थी सुपर 30 की, वो डिसमेंटल कर दी गई है, और अब 5 बड़े नेता उत्तर प्रदेश के पूरी कमान संभाल रहे हैं कि वही उनकी ही देखरेख में ये 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप सब जानते हैं कि जो 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 सीटें सपा की हैं और 5 सीटों पर एनडीए काबिज रहा है, एनडीए के नेताओं की वजह से खाली हुई हैं, उनमें से 3 बीजेपी की है और 2 सहयोगी दलों की है। तो वो 5 सीटें जो एनडीए के खाते में रही हैं, सबसे पहली बड़ी चुनौती तो उन 5 सीटों को बचाने की है कि कैसे वो 5 सीटें बचाई जाएं, ताकि ये ना हो कि हाथ से 1-2 सीटें झटक ली है इंडिया गठबंधन ने, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि एक नरेटिव जो बन गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, और एक सोशल इंजीनियरिंग जो कर दी थी अखिलेश यादव ने पीडीए वाली, वो बहुत चल गई थी और अभी भी उसका असर बाकी है। बल्कि एक जो नया विवाद आरक्षण का शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, कोटा विद इन कोटा, यानी कोटे के अंदर सब कोटा, उसकी वजह से फिर से जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनमें फिर से ये शंकाएं पैदा हो गई हैं कि बीजेपी कोटा ख़त्म करना चाहती है, बीजेपी कोटा को कमज़ोर करना चाहती है, और इसीलिए सब कोटे वाला की बात कर रही है, क्रीमी लेयर की बात कर रही है। तो एक नया विवाद या नई शंका जुड़ गई है, और इसलिए घबराहट और बढ़ गई है। तो आप देखिए, 5 बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री तो हैं ही, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी ले ली है। और सबसे मजे की बात आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने खुद अब अयोध्या की जो सीट है मिल्कीपुर की, जहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो कि अब सांसद बन गए हैं अयोध्या से, फैजाबाद सीट से, वो खाली हुई है, उसको छीनने के लिए खुद को तैनात कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 2 सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, उनमें से एक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, और एक अंबेडकर नगर की कठेरी विधानसभा सीट है, जहां से लालजी वर्मा चुने गए थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो ये जो 2 सीटें
योगी आदित्यनाथ ने आखिर अपने सिर पर क्यों ली है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी है अपने सिर पर? क्योंकि अगर ये सीटें हाथ से निकलती तो बीजेपी की और किरकिरी होगी, खासतौर से मिल्कीपुर की सीट, क्योंकि वो तो अयोध्या के अंडर ही आती है। अगर अयोध्या के लोकसभा चुनाव में हार हुई और अब फिर अगर विधानसभा चुनाव में भी पराजय होती है तो ये बीजेपी के लिए इससे भयानक, इससे बड़ी शर्मिंदगी तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो पूरी जान लगा देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ इस मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए और कठेरी की सीट को जीतने के लिए। अब बाकी सीटें जो बची हैं, जो सहयोगी दलों की हैं, उन पे भी जो मतलब पहले तो 5 सीटें वो जीतनी हैं जो आपके खाते में थीं और जो खाली हुई हैं और जो आपको जीतना ही चाहिए। दूसरा 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं उनसे भी 1-2 सीटें छीननी हैं, तब जाकर बीजेपी के बारे में एक धारणा जो अभी बनी है इतनी सीटें गंवाने के बाद इस लोकसभा चुनाव में, वो थोड़ा सा बदलनी शुरू होगी। और आम तौर पर देखिए, किसी भी राज्य में जब उपचुनाव होते हैं तो ये माना जाता है कि जो सत्ता में होता है उसका एडवांटेज होता है, क्योंकि आम लोग सोचते हैं ऐसे लोगों को चुनो, ऐसे नेताओं को चुनो जो काम कर सके। अगर ऐसे विपक्ष के नेता को चुन लिया आपने तो उसको सहयोग ही नहीं मिलेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार से, तो क्या फ़ायदा ऐसे चुनने में। ऐसा हर राज्य में होता है आम तौर पर। हालांकि योगी आदित्यनाथ कई उपचुनाव हार चुके हैं और उनमें उनकी किरकिरी हो चुकी है, लेकिन इस बार वो कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। इस बार चूंकि उनकी अपनी कुर्सी दांव पर लगी है, चूंकि उनकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उन्हें पता है कि वो मोदी के भी निशाने पर हैं, शाह के भी निशाने पर हैं, केशव मौर्य के निशाने पर हैं, सहयोगी दलों के निशाने पर हैं, नाराज ब्राह्मणों के निशाने पर हैं, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों के निशाने पर हैं, अल्पसंख्यकों के निशाने पर हैं और केवल ठाकुर ही उनके साथ रह गए हैं। ऐसी सूरत में इसे उन्होंने अपने लिए एक बड़ी चुनौती बना लिया है। अब इस चुनौती में वो कामयाब होंगे नहीं होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, चुनाव आयोग उनके मुट्ठी में है, वो जुट जाएगा, तब ये समझ में आता है कि इसका फ़ायदा तो सत्तारूढ़ दल उठा सकता है, ले जा सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता पब्लिक का मूड है, कौन जाने पब्लिक क्या सोच रही है। वो अभी और योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाना चाहती है, उनकी अकड़ को और ढीला करना चाहती है और वो जो 80-20 की राजनीति कर रहे हैं उसको भी सबक सिखाना चाहती है। ये कांवड़ियों के नाम पर, ये लव जिहाद के नाम पर, ये धर्मांतरण के नाम पर वो जो कर रहे हैं, बजाय इसके कि रोज़गार पैदा करें, विकास पर ध्यान दें, और ये सब करने के बजाय वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से उन्हें लंगड़ी मार दी तो फिर योगी आदित्यनाथ का बचना मुश्किल हो जाएगा, उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। भले ही आरएसएस कितनी ही बैकिंग उनकी करते रहे, कितना ही उनका समर्थन करते रहे, लेकिन एक तो कुर्सी जाएगी, दूसरी प्रतिष्ठा भी जाएगी कि हिंदुत्व के वो बहुत बड़े नेता जो अपने आप बन गए थे वो भी रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं, उनका भी कुछ असर रह गया है कि नहीं रह गया है। तो ये बड़ी मज़ेदार स्थिति है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव उपचुनाव में, और इसके नतीजे बहुत ही दिलचस्प होंगे, देखने लायक होंगे कि क्या होता है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी क्या वो करिश्मा दोहरा पाती है जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया है, मायावती क्या रोल खेलना चाहती हैं इन उपचुनाव में, और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ उलटफेर कर पाती है कि नहीं, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।